22 जनवरी को अयोध्या में आयोजित होने वाले रामलला की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को भव्य बनाने के लिए नगर निगम ग्रेटर द्वारा रामोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसके लिए जयपुर शहर को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने के लिए टीमों द्वारा सघन सफाई अभियान चलाया जा रहा है। रामोत्सव के दूसरे दिन महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर सुबह 9 बजे सांगा बाबा मंदिर पहुंची, जहां पूजा अर्चना के बाद मंदिर की साफ सफाई की। इसके बाद महापौर त्रिपुरिया हनुमान मंदिर, गुरुद्वारा दिगंबर जैन मंदिर सहित अन्य धार्मिक स्थलों के परिसर भी सफाई भी की और साथ ही उन्होंने रंगोली भी बनाई। उन्होंने वहां पूजा अर्चना के लिए आए भक्तों के साथ राम भजन भी गाए। उन्होंने अपील की कि 22 जनवरी को सभी धार्मिक स्थानों पर दीपोत्सव मनाया जाए, राम ज्योति जलाई जाए। बुधवार को नगर निगम की टीमों द्वारा 20 से अधिक धार्मिक स्थलों की सफाई की गई। इस अवसर पर महापौर ने कहा कि रामलला का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव हम सबके लिए बड़े ही हर्षोल्लास का विषय है। महापौर ने कहा कि सभी जयपुरवासी अयोध्या की तरह जयपुर में भी दीपों से जगमग करें। खुशी का पर्व है, हम सबके लिए उत्साह है और आप देख पा रहे हैं कि कैसे भजन गाकर मंदिरों के अंदर भी हमारी मातृशक्ति, हमारे सभी भक्त जन है वो खुश हो रहे हैं कि राम जी आखिर 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी और हम सब जयपुरवासी मिलकर इस जयपुर को अयोध्या की तरह सजाएंगे, छोटी काशी को अयोध्या की तरह जगमग करेंगे। और इसके तहत आज हमने मंदिरों की सफाई, स्वच्छता और मंदिरों की बाहर स्वच्छता और रंगोली का कार्यक्रम रखा है। जयपुर ग्रेटर के अंदर आने वाले सभी धार्मिक स्थल हैं, उन स्थलों की साफ सफाई और उसके बाहर रंगोली का कार्यक्रम रखा गया है। और इसी के तहत जब जयपुर के सारे धार्मिक स्थलों के अंदर और बाहर की स्वच्छता होगी, महापुरुषों की मूर्तियों की कल सफाई हुई है वहाँ अंदर और बाहर की सफाई होगी और कल हमारे पार्कों की, सार्वजनिक पार्कों की सफाई होगी और मुख्य चौराहों की सफाई होगी, तब जाकर हमारा जयपुर स्वच्छ जयपुर, सुंदर जयपुर बनेगा और यही सुशासन है। आम जनता की सेवा, जनता के उत्साह को मुझे देखते हुए लग रहा है कि इस जयपुर को बिल्कुल स्वच्छ करने के अंदर आम जनता भूमिका निभाने वाली है और 5 लाख दीपक का लक्ष्य नगर निगम ने रखा है, पर यहाँ आम जनता मुझे लग रहा है कि 11 लाख का लक्ष्य भी हर मंदिर जगमग करेगा, हर चौराहा हमारे मन के अंदर राम ज्योति जलेगी और हम राम ज्योति जलाकर प्रभु श्री राम जी का अभिवादन करेंगे, स्वागत करेंगे, वंदन करेंगे और अभिनंदन करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि हमें 22 जनवरी को दिवाली की तरह, हमें दीपावली की तरह हमारे शहर को साफ सुंदर जगमग हमें बनाना है। डुंगरी के महंत जी ने एक कंपोस्ट मशीन, फूलों के लिए कंपोस्ट मशीन देने का कहा है और साथ में खोले के हनुमान जी की तरफ से भी आया है प्रस्ताव कि वो भी हमें कंपोस्ट मशीन देंगे, तो निश्चित रूप से वो कंपोस्ट मशीन हमारे जितने भी मंदिरों से फूल मालाएं निकलती है वो भगवान की चढ़ी हुई माला कचरे के अंदर नहीं जाए, क्योंकि भगवान हमारे आराध्य है और उनकी चढ़ी हुई मालाओं को कंपोस्ट बनाकर वहीं जहां हमारा कंपोस्ट प्लांट है वहां नगर निगम के सेल्फ हेल्प ग्रुप है, जो महिलाएं, जिन महिलाओं का आर्थिक स्तर सही नहीं है उनको हम रोजगार देंगे और रोजगार देने के बाद में जब भक्त मंदिर के अंदर आएगा तो प्रसाद के साथ में, प्रसाद स्वरूप जो फूल भगवान पर भक्ति के साथ में चढ़े हैं वो फूल भगवान के साथ उसकी कंपोस्ट खाद अपने घर में पैकेट लेकर जाएंगे और अपने घर के गमलों के अंदर साक्षात भगवान का कण कण कंपोस्ट रूप के अंदर प्रसाद है वो पूरा होगा और घर की शुद्धता रहेगी और हमारा अध्यात्म जो है, हमारी स्पिरिचुअलिटी इसी में है। उम्मीद की जा सकती है जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी 2014 के अंदर स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की थी तब कोई सोच भी नहीं सकता था कि स्वच्छ भारत कैसे हो सकता है या इतने गंदे गंदे पहाड़, कचरे के पहाड़ जो बने हुए हैं, बहुत शहर बहुत खराब लग रहे थे, वो सारे पहाड़ भी गायब होने लगे हैं, आम जन के अंदर जागृति आ गई है। और मैं तो कहती हूँ कि छोटे छोटे बच्चे के अंदर भी जागृति आ गई है, जब स्वच्छता की गाड़ी, कचरे की गाड़ी का जो गाना सुनते हैं स्वच्छ भारत का इरादा, तो बच्चे भी उसके साथ में गाते हैं और बच्चे भी कहते हैं कि स्वच्छ भारत अपना भारत, और हम सब की जिम्मेदारी, हम सब की भागीदारी होनी चाहिए।